हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट जॉब अपडेट। मैं लेकर के आया हूं बहुत बड़ी वैकेंसी न्यूज। इंडियन एयरपोर्ट नॉन कॉम्पैक्ट 02/2023, सभी के मन में एक ही डाउट है, ज्वाइनिंग लेटर। बहुत सारे सेंटरों के ज्वाइनिंग लेटर आउट भी हो चुके हैं, तो इनके मन में डाउट है कि एयरपोर्ट एनसी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या एयरपोर्ट एनसी में जाके क्या काम करना पड़ेगा, हमें कैसे रहना पड़ेगा, कैसी ड्यूटी होगी, कहाँ ज्वाइनिंग होगी, कैसी वर्दी होगी, पूरी ओल डिटेल हम इसमें बात करेंगे। ज्वाइनिंग लेटर कल के बाद नहीं आएगा, एक मन में ये भी सस्पेंस है कि ज्वाइनिंग लेटर कल के बाद में नहीं आएगा क्या। मेरा मानना है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कल के बाद में नहीं आएगा या कब तक आएगा, क्यों नहीं आएगा कल के बाद में या कब वापस शुरू होगा, तो इसके बारे में भी हम कंटिन्यू बात करेंगे। यहाँ बात नहीं सही गाइड किया जाता है, यहाँ बात नहीं सही गाइड किया जाता है। हाँ, ये 100% मेरी 3 भर्तियों का एक्सपीरियंस है कि मैंने सही गाइड किया है बंदों को, यहाँ बातें नहीं की है मैंने, ठीक है। आपके ऑल डाउट क्लियर किया जाएंगे, एक एक करके पूरी डिटेल में आपको बात की जाएगी। आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों के कॉल आ चुके हैं और ज्वाइनिंग लेटर भी हाथ में आ चुके हैं, तो उन सभी वो धीरे धीरे करके मेरे पास फोटो भी भेज चुके हैं उनका, मैं धीरे धीरे करके कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। आप सभी मोटिवेशनल, आप सभी मोटिवेट हो, इसीलिए मैं कम्युनिटी में पोस्ट डालता हूं और आगे में जो लड़के प्रेरित होके उनसे बात करके कि ये तय करे कि हाँ मैंने ऐसे तैयारी की और हमारे से किस तरह तैयारी की, वो हो सके तो हमने शॉर्ट वीडियो भी उनसे बनवा के मंगवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उन्होंने हमसे कैसे हेल्प ली और कैसे हमने उनको गाइड किया, कैसे तैयारी करवाई तो उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक एक करके पूरी डिटेल में बात करेंगे। धीरे धीरे पोस्ट जैसे ही हमारे पास फोटो आते रहेंगे, हम पोस्ट करते रहेंगे उसमें, और आप मोटिवेट होते रहे और कंटिन्यू तैयारी करते रहे। अब जो मेन मैटर है कि एयरपोर्ट एनसी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, उसके बारे में बात करूंगा। ज्वाइनिंग लेटर कल के बाद नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा या कब वापस आना शुरू होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। या बातें नहीं सही गाइड किया जाता, उसके बारे में भी बात करूंगा। मैंने किस तरह किस लोगों को गाइड किया है, कैसी कैसी परिस्थितियों में उनको गाइड करके यहां तक पहुंचाए, और वो मेरे जो मैसेज बताऊं ना आपको मेरे टेलीग्राम पे, और मेरे पास कॉल आते हैं और उनके जो एक हंसते खिलते चेहरे जिनके पास ज्वाइनिंग लेटर का कॉल आ चुका, उनके चेहरे या उनकी जो मुस्कान आप देखते हो, तो आपको बहुत गर्व महसूस होगा और मेरे को भी हो रहा है, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की है, वो आज इस मुकाम पे है, ठीक है। आपके ऑल डाउट क्लियर किए जाएंगे। अभी मैं चलूं इनकी फुल डिटेल पे, उससे पहले यदि आप सभी नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक बार मैं फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है या होने वाला है, जो ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन भाइयों के साथ जो अगली नेक्स्ट आने वाली हर भर्ती की तैयारी हमारे साथ रह के कर सकते हैं। हमने प्रॉपरली फुल गाइड करेंगे और आपको भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैन जॉब प्रोफाइल के बारे में बाद में बात करें, उससे पहले ज्वाइनिंग लेटर कल के बाद क्यों नहीं आएगा। देखो, कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार को जितने भी ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, उसके बाद में सैटरडे शनिवार को हाफ डे होगा, तो 12 बजे 1 बजे के पहले पहले जिनका कॉल आना है उसका आ जाएगा, फिर संडे आ जाएगा, संडे को छुट्टी रहेगी, मंडे से वापस शुरू हो जाएगा। जिनका भी आना है नो टेंशन रहो, कल तक जिनके कॉल आ जाए तो ठीक है, उसके बाद में मंडे से वापस स्टार्ट होगा, तो 1-2 दिन आप डिमोटिवेट नहीं है, जल्द आपके कॉल लेटर आपके हाथ में होंगे। अभी मैं बात कर लूं थोड़ी ये साथ में कर लूं, तो किस किस सेंटर के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। देखो, 27 ED दिल्ली, AFRO दिल्ली में लगभग 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन है, हाउसकीपिंग से उनका हॉस्पिटलिटी से उनका सिलेक्शन हो चुका है। 2 के पास तो कॉल भी किया है, 1 के पास कॉल नहीं किया, उनका डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया होगा, ठीक है, तो कल या परसों तक उनके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और बात करूं तो जोधपुर में 32 विंग का ज्वाइनिंग लेटर आउट हो चुका है, कॉल भी हो चुका है, जिनका नहीं आया वो वेट करें, 1-2 दिन में उनका भी आ सकता है, ठीक है। जैसलमेर का हो चुका है और दिल्ली में CSB का हो चुका है, और बात कर लूं मैं तो बरेली का हो चुका है और बामरोली का भी लगभग हो चुका है, ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो अभी मेरे पास लिस्ट है काफी सेंटरों के, टेलीग्राम ग्रुप में आप हो तो आप सभी को पता है, मैं और अपडेट कर दूंगा जिनके नए ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। यदि आप किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया या कॉल आया तो मुझे मैसेज जरूर करें टेलीग्राम पे, और यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, और जिनका नहीं आया तो वो सेंटर का नाम कमेंट जरूर करें, तो मुझे पता चले कि आपका अभी तक नहीं आया या आ गया, तो मैं उनके बारे में सजेशन करूं कि आपका आ सकता है या नहीं आ सकता, उसके बारे में भी मैं गाइड करूं। यहां बातें नहीं सही गाइड किया जाता, मैं एक एक प्रॉपर आपको गाइड किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। अभी एक जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया और जिनके सेंटर का ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, जैसे भाई किसी एक सेंटर का नाम लूं, जोधपुर 32 विंग से ज्वाइनिंग लेटर आउट हो चुके हैं और उसी में किसी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, तो डीमोटिवेट नहीं हुए, 1-2 दिन वेट करें, हो सकता है आपका जल्द ज्वाइनिंग लेटर आएगा। यदि नहीं भी आएगा तो बहुत जल्द नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, तो आप कंटिन्यू तैयारी रहो, हो सकता है हमारी मेहनत में कहीं कमी रही है इसीलिए आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया होगा,
तो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करते रहे, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे, 100% सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, लगभग सभी के मन में यही डाउट है कि सभी का ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। तो सभी का ज्वाइनिंग लेटर लगभग कल शुक्रवार है, कल आ सकता है लगभग सभी सेंटर का, और कल नहीं आया तो फिर सैटरडे को हाफ डे में आ सकता है 12-1 बजे तक, उसके बाद में नहीं आया तो फिर मंडे को सभी का आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनका आया उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो हमारी ऑल गवर्नमेंट जॉब फैमिली की तरफ से, और जिनका आना है उनको बेस्ट ऑफ लक, जल्द आपका ज्वाइनिंग लेटर आए। और भी कोई समस्या है आपके मन में, कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट करें या टेलीग्राम पे मैसेज करें, आपकी पूर्ण हेल्प की जाएगी। डाउट में तो यही था। अब एनसी की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर ले, तो जैसे हाउसकीपिंग है तो उसमें आप सभी को पता है आपने जैसा ट्रेड टेस्ट दिया था वैसा ही आपका काम रहेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी आगे में बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, एयरपोर्ट, एक बार आप एयरपोर्ट सेंटर के गेट से बाहर निकलते हो ना, तभी भी बार कोई बंदा देखता है तो ये एयरपोर्ट का बंदा है, नाम ही बड़ा है, टेंशन मत लो, जॉब जैसी भी है तो कोई स्ट्रगल करना पड़ता है, अच्छी जॉब है, मैं ऑफिशियल जॉब मानता हूँ इसको, क्योंकि 100 ड्यूटी है और पेमेंट भी अच्छा खासा है। यदि 4 साल के बाद में आप परमानेंट हो जाते हो तो उसके बाद में बहुत अच्छा पेमेंट जाएगा, और 60 साल की नौकरी है। ठीक है, एक बार अग्निवीर के तहत 4 साल निकाल लिए तो उसके बाद में यदि कंटिन्यू आप रहना चाहते हो तो फिर अच्छी खासी जॉब भी है और परमानेंट भी है और पेमेंट भी बहुत अच्छी खासी आपकी जाएगी, जिसमें एनसी है जो अभी प्रेजेंट में ड्यूटी कर रहे हैं, जिनकी समथिंग 15-20 साल सर्विस हुई उनके समथिंग 60-70 हज़ार पेमेंट हो चुकी है। तो आप कंटिन्यू बने रहे, अच्छी जॉब है ये। ठीक है, तो लग जाओ तो अच्छी है। और फिर आगे मैं बात कर लूँ तो हॉस्पिटलिटी में वेटर और कुक का 2 ही पोस्ट होती है, इसमें यदि आपको कोई भी पोस्ट मिलेगी तो अच्छी पोस्ट है। ठीक है, हाउसकीपिंग का मैंने बता दिया जैसा ट्रेड हुआ वैसी पोस्ट है, और हॉस्पिटलिटी में जैसा ट्रेड हुआ वैसी पोस्ट है, लेकिन साथ में अदर भी ड्यूटी आपको दे सकते हैं, वो अच्छी ड्यूटी भी देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से आपका आराम से ट्रेनिंग काटो, उसके बाद में यूनिट में जाओ और अच्छे से 4 साल अग्निवीर के तहत आप एयरपोर्ट एनसी में काम करो। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई आपका कमेंट है, मैन जो यही था ज्वाइनिंग लेटर का था, मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों के आ चुके हैं, मैंने नाम भी बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको लिस्ट भी मिल जाएगी किस सेंटर से कितने बंदों का सिलेक्शन हुआ है, वो भी जल्द मिल जाएगी। ठीक है, मैंने जो भी जानकारी दी आई होप आपको सबको समझ में आई होगी, और भी कोई मन में क्वेश्चन क्यूरी है तो बेझिझक कमेंट करें, आपकी पूर्ण हेल्प की जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।